हेलो एवरीवन, आज शुरुआत कहाँ से करूँ मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से व्यक्तिगत भी और जैसा समाज में जो भी चल रहा है उसको लेके बहुत मन परेशान था, इसलिए मुझे आज बस आपके बीच में आके कुछ कहने का मन किया। निश्चित रूप से स्थिति भयानक है, अनकंट्रोल्ड है, अभी कुछ कह भी नहीं सकते हैं। लेकिन उस स्थिति के प्रति जो हमारा निराशाजनक जो एटीट्यूड है वो शायद हमारा उस भयावह महामारी से भी अधिक भयावह है। सब कुछ एटीट्यूड पर डिपेंड है। हम खुद कहते हैं कि बड़ी से बड़ी चीज अगर मन स्वस्थ हो तो हम उसको जीत लेते हैं, लेकिन हम खुद इस टाइम क्या कर रहे हैं वो हम खुद ही नहीं सोचना भी नहीं चाहते कि हम कर क्या रहे हैं। मुझे ये फील तब हुआ जब मुझे 3-4 दिन पहले भी फीवर हुआ। यूजुअली मैंने अपने को वैसे सब करते हैं वैसे मैंने भी अपने आप को होम आइसोलेशन किया, ऑफिस नहीं आई, घर पे रही। तब मैंने फेसबुक थोड़ा सा देखा, फेसबुक पे ज्यादा कंसंट्रेट किया, तब मैंने देखा कि फेसबुक पे सिर्फ लोग क्या पोस्ट कर रहे हैं, सिर्फ निगेटिविटी, सिर्फ निराशाजनक चीजें। कोई मुर्चे की वीडियो डाल रहा है, कोई शमशान घाट की पोस्ट कर रहा है, कोई क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट है उसकी फोटो डाल रहा है। व्हाट वी आर डूइंग, क्यों हम ये कर रहे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। जब घर में कोई परेशान होता है, घर में कोई बीमार होता है, तो क्या हम उसे उसकी निगेटिव एनर्जी देते हैं अपनी? नहीं ना, हम इवन डॉक्टर से भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ये कहे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बस हमें अभी भी तो यही कहना है ना, किससे कहना है, समाज में कहना है सब ठीक हो जाएगा। हमारा आपका एक बात कि सब ठीक हो जाएगा बहुत कुछ इम्पैक्ट रखता है। हम चेंज कर सकते हैं बहुत सी चीजें, लेकिन हम ये करना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, आपका पॉलिटिकली कुछ इंटरेस्ट है, आप पॉलिटिकली गुस्सा है, ठीक है, आपका अपनी जगह अपनी बात सही है, आपकी गुस्सा सही है, लेकिन इफेक्ट किसको होगा? आपके फ्रेंड लिस्ट में किसी फ्रेंड को जो छोटे छोटे लक्षणों से शायद प्रभावित हो। लास्ट टाइम अभी देखिए, एक वुमेन अपने को बर्न करके खत्म हो गई, वो क्यों? आउट ऑफ फियर, केवल आउट ऑफ फियर। हम क्यों ये सिचुएशन को और पैंडेमिक दिखा रहे हैं? हम पॉजिटिविटी भी तो कर सकते हैं। हम लोग कभी कभी डिप्रेशन में होते हैं, हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली सबके पास हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, प्रोफेशनल प्रॉब्लम है, हम जैसे काम करने वालों के पास कभी कभी डिप्रेशन होता है, हम खुद नहीं संभाल पाते। ना जाने कौन कहां से आपका कोई फ्रेंड ऐसे एक मसीहा बन जाए, शायद फेसबुक फ्रेंड ही कोई मसीहा बन जाए आपके लिए और आपको कुछ ऐसी पॉजिटिव एनर्जी दे जाए, कुछ ऐसी अपनी से बातों से। ऐसा नहीं कि उसे आपके पास आना है, उसे आपके पास बैठना है, साथ टाइम बिताना है, कुछ भी नहीं। कुछ बातें, कुछ पॉजिटिव बात करके चला जाए और आपकी जिंदगी में कुछ आपको लगे कि नहीं, हम ऐसा कर सकते हैं, अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, वो दोस्त बनिए ना। निगेटिव दोस्त क्यों बनना है, निगेटिविटी क्यों दे रहे हैं? हमें सब कुछ अच्छा करना है, सब अच्छा होना है। माइंड से जो जीता वो हर जगह से जीता। आज सुबह सुबह मैंने एक फ्रेंड को देखा, उसने लिखा कि मैं फेसबुक डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं बेयर कर पाना होती निगेटिव पोस्ट। सेम कंडीशन थी मेरी 2-3 दिन पहले। तो मुझे लगा कि जो ये बात अपनी कहनी है आपको, मुझे देखना है कि आप एक पॉजिटिव फ्रेंड हैं अपने फ्रेंड के लिए। ना जाने, पता नहीं आप किसके लिए एक भगवान बन जाए, एक अच्छे इंसान बन जाए। एक चेहरे पे मुस्कान लाने का प्रयास करिए, ना कि एक विषम स्थिति जो मैंने 3 दिन पहले अपनी फेस की, अरे क्या हो गया क्या नहीं, बट मैंने तुरंत पॉजिटिव सोचा और सही हुई, मैं अभी ठीक हूं। लेकिन ऐसा नहीं करिए, हो सकता है किसी का छोटा बुखार भी सीरियस हो जाए, कोई अपने को कोई कहीं से कूद रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसे डेथ हो जाए किसी की, ये मत करिए। अच्छे से रहिए। और ये अभी कुछ लोग वैकुंठ धाम की फोटो डाले हैं, बस एक सिंपल सा क्वेश्चन है, वैकुंठ धाम की जब जितनी फोटो आपने डाली है क्या सभी कोरोना से उनकी डेथ हुई है? नहीं ना, यूजली उसमें कुछ तो जल्दी होंगी रोज। आपने ये क्यों नहीं दिखाया कि उसमें कोरोना से इतनी लोगों की डेथ हुई है? मैं नहीं कह रही हूं कि कुछ नहीं हो रहा है, बस मैं ये कह रही हूं कि पॉजिटिविटी पे कंसर्न रहिए। मेरी एक फ्रेंड है, फेसबुक फ्रेंड है, उन्होंने सुबह एक मैसेज डाला, उनका नाम शैलिन शर्मा है, उन्होंने डाला कि अगर हम उसके क्राइम पेट्रोल के 10 सीरियल देख लेते हैं तो हमें डिटर्जेंट भी ड्रग्स दिखता है। सेम वही बात है, अगर हम 10 निगेटिव पोस्ट देखते हैं तो हम फिर उस बीमारी से रिकवर नहीं कर सकते हैं, और अगर हम 5 पॉजिटिव पोस्ट देखेंगे तो वो दोस्त हमारा जरूर रिकवर कर जाएगा, हम रिकवर कर जाएंगे। इस टाइम हमें सिर्फ पॉजिटिविटी की जरूरत है। किसी से कह सकिए तो बस इतना कहिए, आई एम विद यू और सब कुछ सही हो जाएगा।
ऐसा नहीं है, सब कुछ सही हो जाएगा। आपका नॉलेज है तो, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप ये शेयर कर लीजिए कि क्या करना है, क्या खाना है, कौन सा योग करना है, कौन सा व्यायाम करना है। निगेटिव मत भरिए कि नहीं ये पैंडेमिक है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। और हाँ, कुछ लोग लॉकडाउन 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 कह रहे हैं। वाई वी नीड लॉकडाउन? जब लॉकडाउन लगा था तब भी हम पैंडेमिक, मैं नहीं कह रही हूँ लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, लॉकडाउन लग जाना चाहिए, बट वी आर ह्यूमन बींग, वी डोंट नीड ए पट्टा एंड नकेल लाइक हॉर्स एंड डॉग के हमें सेल्फ कंट्रोल नहीं है, हम तो कहीं भी पहुंच जाएंगे। अरे हमें सेल्फ कंट्रोल है, वी आर ह्यूमन बींग, हम अपना अच्छा बुरा खुद जानते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि सब दूसरों को ब्लेम करने से पहले अपने अपने वेलबींग के बारे में सोचना है। हमें खुद घर पे रहना है, जरूरत हो तो हमें खुद, मैंने अपने खुद काम करने सारे स्टार्ट कर दिए हैं। हमें आपको भी यही कहना है कि अपने काम खुद से खुद करिए, जितना हो सके सबसे कम मिलिए, पॉजिटिविटी रखिए। एक शौर्य सक्सेना है लखीमपुर के, थैंक्स टू शौर्य, आपके मैसेज से मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिली। आपने एक मैसेज किया था कि आज के दिन में 1.81 लाख पीपल जो हैं वो रिकवर किए हैं, दैट इज ए पॉजिटिविटी। मुझे पॉजिटिविटी मिली, बहुत अच्छा लगा। ऐसे मैसेज अगर 5 मिलेंगे तो इंसान जरूर रिकवर करेगा। पॉजिटिविटी भरी है जिंदगी में, जिंदगी वैसे भी बहुत टफ है। इस महामारी में अगर हम ऐसे पोस्ट डाल के ये सोच रहे हैं कि हम पॉलिटिकली कुछ गेन कर रहे हैं या पॉलिटिकली किसी को वो कर रहे हैं, नहीं, आप सबसे पहले अपनों को नुकसान कर रहे हैं, अपनी मेंटलिटी को नुकसान कर रहे हैं। पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए इस टाइम पे, जो बहुत जरूरी है। अपनों का साथ इस वक्त बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पॉजिटिव इंसान बनिए, किसी की जिंदगी में एक पल के ही सही हंसी लाइए, उसे निगेटिव मत कन्वर्ट करने दीजिए, उसे पॉजिटिव बनाए रखिए। कुछ भी नहीं है, सब सही हो जाएगा। सृष्टि का विनाश कभी नहीं होना है, सृष्टि का विनाश होने से पहले ऊपर वाला आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ सृष्टि का विनाश हो जाएगा, कुछ बुरा समय है जो हमें आपको सबको मिलके पॉजिटिव एनर्जी के साथ उसको न्यूट्रल करना है। हमें उससे डरना नहीं है, हमें उससे लड़ना है, लड़ना है पॉजिटिव एनर्जी के साथ, और सबको पॉजिटिव एनर्जी देते हुए, किसी को निगेटिव एनर्जी नहीं देनी है। नुकसान सिर्फ अपनों का है, सिर्फ अपनों का है। ना जाने कौन सा फेसबुक फ्रेंड आप किसके साथ आप क्या कुछ अच्छा बोल दें कि उसकी जिंदगी चेंज हो जाएगी, और ना जाने आप क्या निगेटिव पोस्ट डाल दें कि उसकी जिंदगी में कुछ एकदम से निगेटिव हो जाएगा। अच्छा दोस्त बनिए, अच्छा इंसान बनने की इस टाइम पे कोशिश करिए, किसी की जिंदगी में खुशी लाने की कोशिश करिए। आशा का पुंज बनिए, निराशा का पुंज नहीं। थैंक यू सो मच।